आ गई आप सभी की मोस्ट डिमांडिंग बाइक 125 सीसी में, जिसका आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। होंडा एसपी BS6 2021 मॉडल, ऑल न्यू मॉडल हमारे पास करेंटली अवेलेबल है, ऑल न्यू कलर कॉम्बिनेशन साथ। तो आज आपको हम इस वीडियो में इस रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्या कुछ इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ इसकी प्राइसिंग अपडेट आया और गाड़ी क्या आपको माइलेज निकाल के देती है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर जो लोग भी नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनसे किसी भी तरह के बाइक और स्कूटी अपडेट मिस ना हो जाए, क्योंकि आप सभी के लिए मैं रोज़ाना लेटेस्ट कंटेंट कवर करता हूं और आप सभी को अप टू डेट रखता हूं और हम आपको हमेशा राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी बाइक से रिलेटेड। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं SP125 के इस ऑल न्यू कलर के बारे में। अगर आप इस ऑल न्यू कलर को देखेंगे तो आपको ये जो कलर का नाम दिया गया, ये दिया गया एथलेटिक ब्लू मेटेलिक कलर, एथलेटिक ब्लू मेटेलिक कलर। अगर आप इसके पहले देख लेंगे तो टोटल आपको चार कलर कंटिन्यू किए जाते थे। आपको एक रेड देखने को मिल जाता था, रेड मेटेलिक, ग्रे देखने को मिल जाता था जिसमें कोई भी स्टिकर्स देखने को नहीं मिलते थे, उसके बाद एक आपको डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था और उसके साथ साथ एक स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर देखने को मिलता था, जो कि आपको ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन साथ देखने को मिलता था। तो ये पांचवा कलर उसमें एड ऑन कर दिया गया, जिसका नाम है एथलेटिक ब्लू मेटेलिक कलर। अगर आप इस ओवरऑल चेंजेस की बात करेंगे, पहली मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। चेंजेस वाइज बात करेंगे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं। आप गाड़ी को साइड से देख सकते हैं, बैक से देख सकते हैं, फ्रंट से देख सकते हैं। जो एक बड़ा बदलाव हुआ इसके ग्रैब हैंडल में आया है। ग्रैब हैंडल पहले जो आपको देखने को मिलता था वहाँ पर आपको रबड़ की कोटिंग देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी रबड़ की कोटिंग नहीं है। यहाँ पर आपको नॉर्मल ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं, जो कि थोड़ा बहुत स्क्रैचेस लगने के डर रहते हैं। तो ये एक चीज़ देखें, कंपनी ने ये चीज़ किया है इसमें आपको जो बड़ा चेंज किया है। बाकी अगर आप कलर ग्राफिक्स देखेंगे तो कलर ऑल न्यू ला दिए गए हैं। ये देख सकते हो जो आपको व्हाइट कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है रेड कलर के टेपिंग साथ, ये देख सकते हैं। बाकी आपको जो ये ब्लू कलर कॉम्बिनेशन है देखने में बहुत सही लगता है। तो ये आपको एक और चॉइस कंपनी ने प्रोवाइड कर दी है 125 सी सेगमेंट में, जो कि होंडा एसपी की बाइक आती थी। पहले आपके पास टोटल चार चॉइस थे कलर कॉम्बिनेशन में, अब आपके पास ये पांचवा चॉइस आ चुका है। उसके बाद चलिए फिर बात कर लेते हैं क्या कुछ बड़ा बदलाव इसमें किया गया है। इसके अलावा जो मैंने आपको दो बड़े बदलाव बता दिए, एक लुक और एक वो मीटर कंसोल, आपका सेम रहने वाला है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। रियल टाइम माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी जैसे फीचर्स, आपको एडवांस फीचर्स सारे अभी भी कंटिन्यू किए जा रहे हैं। फ्रंट में वही आपको LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता था। कोई भी LED DRS का अपडेट नहीं है। बहुत लोगों ने थंबनेल में लगाया भी है कि LED DRS आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलता है, कोई भी ABS का अपडेट नहीं है। अब बहुत लोग ABS करते हैं तो कोई भी ABS का अपडेट नहीं है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में आपको ऑफर किया जाता है, बैक में हाइड्रोलिक देखने को मिलता है। तो होंडा एसपी से आप कंफर्टेबल राइड बिल्कुल निकाल सकते हैं। कंफर्टेबल राइड वाइज कोई भी आपको शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, कंफर्टेबल राइड गाड़ी जानी जाती है, कंफर्टेबल राइड निकाल सकते हैं। माइलेज वाइज बात कर लें, 60 प्लस माइलेज गाड़ी बहुत अच्छे से निकाल के दे रही है। अगर आप इसे नॉर्मल भी राइड करेंगे तो 50 से 55 का आपका माइलेज कहीं भी नहीं गया है। बाकी अगर आपका SP125 है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये गाड़ी कितने का माइलेज दे रही है। बाकी अगर मेरी मानेंगे तो आपको 60 प्लस माइलेज आप इस गाड़ी से बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। 5 गियर सिस्टम बॉक्स गाड़ी देखने को मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपका पहले जैसा सेम रखा गया है। साइलेंट स्टार्ट फीचर ESP टेक्नोलॉजी अभी भी कंटिन्यू की जा रही है, कोई बड़ा चेंज नहीं है ESP टेक्नोलॉजी में। इनहेंस स्मार्ट पावर जो कि साइलेंट स्टार्ट फीचर है वो आपको SP125 के इस कलर में भी देखने को मिल जाता है। बाकी जो बड़ा बदलाव जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जो ये ऑल न्यू स्टिकर्स, ऑल न्यू कलर कॉम्बिनेशन आ गया है, बाकी जो ये बड़ा बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल जो जज कर लेंगे वो आप बैक की इसके ग्रैब हैंडल से जज कर लेंगे कि आपका ये नया कलर है पुराना कलर है। बाकी आप लोग देख सकते हैं थोड़े बहुत मुझे जो इसमें स्क्रैचेस लगने डर रहते हैं, बाकी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल देखने बहुत सही लग रहा है। जो ग्लॉसी फिनिश है वो मिल गई है, बहुत अच्छी लग रही है। बाकी बैक में आपको नॉर्मल बल्ब टाइप वाले टेल लैंप देखने को मिलते हैं। कोई भी LED या कोई भी बड़ा अपडेट नहीं किया गया है, कोई भी लुक या कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। बाकी अगर आप गाड़ी की बैक साइड से बात कर लेंगे तो ओवरऑल गाड़ी की बैक से लुक देख सकते हैं आपको सेम जैसे पहले मॉडल कंटिन्यू किए जाते थे, वही सेम SP125 का लुक रखा गया है। साइड्स के इंडिकेटर भी आपको बल्ब टाइप वाले देखने को मिलते हैं। कोई भी डिजाइनिंग, कोई भी लुक में चेंजेस नहीं किए गए हैं। स्ट्रिप आप देख सकते हैं जो आपको मैंने बताया व्हाइट और रेड कलर की कंटिन्यू की गई है। तो ये आपकी सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली सेम रहने वाली हैं। मीटर कंसोल जैसे कि बहुत लोग था मीटर कंसोल में क्या GPS ब्लूटूथ ऐसा कुछ अपडेट है नहीं। स्विचेस आपको वही रहने वाले हैं जो आपको पहले जैसे देखने को मिलते थे। इंजन किल जो कि मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है होंडा की, आपको इंजन किल स्विच अपने लोअर सेगमेंट में प्रोवाइड कर रहा है, जो कि पहले होंडा की ये डिसएडवांटेज पॉइंट माना जाता था। अगर आप 2 से 3 साल पहले की बात करेंगे जो होंडा हॉर्नेट, होंडा एक्सप्लोर थी, वहाँ पर इंजन किल स्विच कंपनी नहीं प्रोवाइड करती थी, लेकिन कंपनी बस इतने क्लेम गए, कंपनी बस इतने कंप्लेन गए, कंपनी को अब अपनी सारी ऑलमोस्ट बाइकों में और स्कूटी में अपनी इंजन किल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अब कोई भी बंदा कंप्लेन नहीं कर पाएगा कि आप इंजन किल नहीं प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं बैक का टायर साइज आपको वही 80x100 18 इंच ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। बैक में हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो कि आपको पहले जैसे ऑफर किया जाता था, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आप एग्जॉस्ट देख सकते हैं आपका वही सेम रहने वाला है। साइलेंट स्टार्ट फीचर जो कि मैंने आपको बताया उसकी भी आपको बैचिंग बिल्कुल की गई कंपनी तरफ से, आपको वही बैचिंग देखने को मिल जाती है। बाकी प्राइसिंग वाइज बात कर लें क्या कुछ इस गाड़ी की प्राइसिंग रहने वाली है। ऑन रोड प्राइसिंग की हम बात करेंगे डायरेक्ट, इसमें आपको टोटल 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। ड्रम और डिस्क 4 to 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। ड्रम की बात करेंगे 93 से लेकर 97 के बीच में कॉस्टिंग करेगी।
अलग अलग शोरूम में अलग अलग थोड़ी बहुत कॉस्टिंग करेगी, तो अपने नियर बाई शोरूम में बिल्कुल एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात कर लें हम इसके डिस्क ब्रेक जो करेंटली जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग जो कॉस्टिंग करेगी 97 से लेकर 1,03,000 के बीच में कॉस्टिंग करेंगी। तो हर शोरूम में थोड़े बहुत प्राइस डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे वहाँ पर आपको 1,02,000 की पड़ेगी, वहीं अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो आपको 98,99 में गाड़ी पड़ जाएगी। तो लगभग 2 से 3-4 का प्राइस डिफरेंस बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस गाड़ी का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है। प्राइसिंग वाइज मैं आपको दोनों ही क्लियर कर दिए, दोनों में आपको ड्रम और डिस्क दोनों ही वेरिएंट के, बाकी आपको ईएमआई फाइनेंस सारी सुविधाएं हर शोरूम में अवेलेबल होंगी, बिल्कुल आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी थोड़ा बहुत फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, जैसे 15 अगस्त कल है, उसके साथ साथ आपको रक्षाबंधन का फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, तो कुछ आपको थोड़े बहुत डिस्काउंट हेलमेट या बैक कवर कुछ आपको फ्री देखने को मिल सकता है, सीट कवर हो गया या बॉडी कवर कुछ आपको फ्री बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो अपने नियर बाई शोरूम में बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बाइक से रिलेटेड मिल जाएगी। तो मैं होप करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर अगर हमारे पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर जाएं, ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए और भी ऐसे डिटेल्ड वीडियो लेकर आता रहूँ। अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी को बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। बाकी आपका यही रहने वाला SP125 का न्यू कलर कॉम्बिनेशन, दो बड़े चेंजेस जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिए, एक जो इसकी कलर स्कीम में चेंजेस किया गया और दूसरा इसका जो बैक का ग्रैब हैंडल है उसकी कोटिंग में चेंज किया गया, बाकी कोई बड़ा बदलाव इसमें नहीं आया। टायर साइज आपको वही देखने को मिलते हैं, मीटर कंसोल भी टोटली वही देखने को मिलता है। बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन थे कि क्या मीटर कंसोल आपको ग्लैमर एक्सट्रैक मॉडल को टक्कर देने के लिए कुछ अपडेट है, जी नहीं, आपको सारी चीज़ें सेम देखने को मिलती है। 11 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी आती है, 5 गियर सिस्टम बॉक्स देखने को मिलता है, FI देखने को मिल जाता है, 125cc का इंजन देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल गाड़ी वही रहने वाली है आपकी, बदलाव इसमें नहीं किए गए हैं। तो बाकी आप लोग जरूर अगर आप सोच रहे हैं एक बाइक लेने का 125cc सेगमेंट की, तो बिल्कुल आप लोग एक बार बिल्कुल SP125 को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, कि जो आपको लुक देती है, जो आपको अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती है गाड़ी, बहुत अच्छी बात है, और जो आपको साइलेंट इंजन देखने को मिल जाता है, और साथ में जो आजकल SP का माइलेज निकल के आ रहा है वो बहुत अच्छी माइलेज गाड़ी निकाल के दे रही है। पर्सनली अगर बताऊँ तो लगभग आपको 55 से 60 का माइलेज आपको इस गाड़ी से देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे इको मोड में ड्राइव करेंगे तो आपको गाड़ी और बेहतर माइलेज निकाल के दे देगी। बाकी ओवरऑल गाड़ी अपने परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। तो आप सभी के सामने कंपनी ने और न्यू कलर स्कीम का ऑप्शन भी दे दिया है, तो बिल्कुल अगर आप SP125 लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल जो गाड़ी माइलेज निकल के आता है, जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है, क्योंकि आपको इस गाड़ी माइलेज दे रही है। सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की माइलेज है, और साथ ही जो गाड़ी का लुक निकल के आता है 125cc के वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक में से एक है आपकी SP125, तो बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं। बाकी टोटल आपके पास आज की डेट में 5 किलो कॉम्बिनेशन का ऑप्शन आ गया है। ये आपका जो ब्लू एथलेटिक कलर रहने वाला है, साथ में रेड आ गया, ग्रे आ गया, और साथ में उसका स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर और एक नेवी ब्लू, 5 टोटल कलर कॉम्बिनेशन आ गए हैं। तो आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उस कलर से जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी अधिक से अधिक को शेयर करिएगा, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके इस ऑल न्यू होंडा SP के बारे में, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं होंडा SP में क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या कुछ प्राइसिंग इसकी रहने वाली है। प्राइसिंग में कोई चेंज नहीं आया, आपकी सेम प्राइसिंग रहने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।